देश भर में लोकसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, इसीलिए हम आपसे कुछ जरूरी बातें कहना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है अपना मतदान करने का। मतदान करना आपका नैतिक कर्तव्य है और आपका एक एक वोट बहुमूल्य है। अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी भय, दबाव और प्रलोभन के करें। देश के विकास के लिए और सम्मान के लिए निर्भीक होकर मतदान करें। मेरा वोट मेरा अधिकार। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं स्वीप टिहरी गढ़वाल द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जय देवभूमि उत्तराखंड। कई खास कार्यक्रम मजे जमज के आप आनंद उठाने सभी कार्यक्रमों को अपनी बोली अपनी भाषा मजीद दिल से। आज हम तो जान गया फिर से बालमा। तीन एपिसोड आप सब लोगों ने दिखे बालमा का और आज चौथे एपिसोड आप सबके सामने मिस्टर अभिराज नेगी की तरफ से और आशीष चमोली की तरफ से। तो आज हम धारा से थोड़ा अग्नि जान लिया। धारा से अग्नि क्या चीज पड़ी वो दिख दो और बाकी बहुत ही बढ़िया गांव है आपको बालमा, बहुत ही जबरदस्त। और बालमा में जी अगर आप एक गांव में जी अगर आप रह गए ना तो कसम से इतना बढ़िया बढ़िया नजारा नहीं खोजी हर चीज का। तो आज हमें मंदिर में जी भी जला वहाँ का आसपास का घर भी दिखाओ आपते हैं, ठीक है। आगे दिखाई बहुत ही पुराने एक मजी ये घर वो बिल्कुल एकदम खंडर है ये घर, लेकिन एक एक मजी दिखा पूरे घर खंडर में एक मजी। और एक मजी तीन मंजिला घर सबसे ज्यादा जो मैं आते हैं अलग अलग खंड की मजी जगह तीन मंजिला बॉन्ड भी छख बबरे छनख राज मंजिल भी है मजी। बाकी मुझे कुछ पुरड़े बिन दिखा आप लोग। और एक लास्ट मजी मकान एक बाकी आप कोई कोई शायद एक आई भी उन्होंने बहुत टाइम बैठी, ठीक है। देखा भाई लगे तो ताले नहीं, लेकिन ताले भी जो लगे बोले पत्नी कहन कब लगाए बोलो बहुत ही पुराने तालो जंगल की बिल्कुल और भीतर तो पूरे खंडर में एक मुझे। हाय राम क्यों लेख उत्तराखंड को लगभग सब गांव में जी इन हालन आधा से ज्यादा गाँव मुझे आप तक टूटा कूटा मिलना पुराना लगभग जितना भी पुराना गांव छन सब जगह अब ये नहीं हालन बिल्कुल जो पठाल जगह जितना कूड़ा सबके सब एकदम भैर बैठे थे लग जन बोला कि पूर्व मकान हो, लेकिन जब भीतर जगह दिखाते नवा पर छत न कुछ तो जब क्या जगह की देख रेख नहीं होती तब ये नहीं होंगे। सब लोगों की अपनी अपनी मजबूरी भी बने तो एक ही खातिर भी वो तो जान पड़ दू खन ये मजों की गलती भी नहीं, क्योंकि अपने परिवार को भी ख्याल रखना पड़ दू अपना परिवार तो बहुत पड़ दू। तो खैर कई जगह लोगों तय अपना मतलब बलिदान नहीं देना पड़ दू हर तरीके से। तो चला आप अगले जानो एक और घट मजी चुकी मैंने वक्त दिखे वो क्यों जान लेंगे आप। मेरा नाम बहादुर सिंह जी, मैं 17-18 साल मुझे मतलब फौज में भर्ती हुई थी। अच्छा, 30 साल में फौज में नौकरी करी। हाँ जी, उसके बाद ऑनरी कैप्टन बने आए हूँ गाँव में जी। अरे वाह, मेरा गाँव में जी कम से कम 4-5 ऑनरी कैप्टन साहब हैं। अच्छा, हमारे गण देवता की इतना कृपा है हमारे ऊपर ज्वाला दी। तो फिलहाल मैं अभी देहरादून में सेटल छ, गाँव से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। हम बोलते हैं कि गढ़वाल खराब छिया, गढ़वाल बहुत बढ़िया हो छी। मैं पूरा हिंदुस्तान में घूमियो, जो मजा गढ़वाल में छी वो कहीं नहीं, ठीक छी। वही बाद ये हवा ये वातावरण ये मेल मिलाप जो गढ़वाल में छा वो कहीं नहीं छी। अभी इतना ज्यादा फैसिलिटी होगी गढ़वाल में जी तनित है। पहले हम बहुत दूर कुंड जाने लग रहे, कुंड देख लो तुम्हारा गाँव गणेश कुंड पाटा गणेश कुंड छी। और एक थे घट भीड़ हमारा घट थे 11 घट।
ग्यारह घाटों में हम घटवाड़े बेचते हैं, बारी लगते हैं आप के लेकिन लगे आजकल इतना फैसिलिटी होगी तो वे का बाद भी लोग कहते हैं एक दिन विस्थापित होना अच्छा आपके विजन कोई अगर कोई अगर शहर छोड़ के अगर गांव में जी आ जाए तो मतलब कहते हैं फैसिलिटी मिल सकती है बहुत बढ़िया बहुत अच्छी फैसिलिटी होगी और बहुत बढ़िया लग लो। अब कुछ दिन बाद ये तो ये है कि अभी लोगों पर जब भीड़ जगह नहीं होली या जब वो हो जाए अब देख लो तुम दिल्ली बैठी लोग कुट्ठा की धारा में जी जमीन लड़ लिया वे कोई मकसद बोलू हाँ जी बिल्कुल और गढ़वाल में अगर जो है जाओ तो जन पहले जन उससे ज़्यादा फैसिलिटी अभी छह गढ़वाल में जन पहले के लोगों ने हमारा बुजुर्ग लोगों ने बहुत कठिनाई झेली तो वो चीज़ नहीं है अभी अब सब क्या है अच्छी फैसिलिटी होगी गैस घर घर में पहुँच गई रोड घर घर में पहुँच गई पानी की व्यवस्था सब चीज़ होगी तो वो दिन आएंगे अभी जब लोग वापस गढ़वाल आला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको धन्यवाद चमोली जी इस द्वार का निर्माण स्वर्गीय श्री दीपेंद्र सिंह नेगी सुपुत्र स्वर्गीय श्री सुंदर सिंह नेगी ग्राम बालमा पट्टी सारजुला टिहरी गढ़वाल की स्मृति में उनके भाइयों के द्वारा बनवाया गया। और ये देखो जी भगवती का मंदिर है मेन जन के मैं लगने थे लगी ये मेन भगवती का मंदिर है। बाकी आप देख सकते हैं भगवती माँ की बहुत ही प्यारी मूर्ति देखो जी। जय माँ भगवती। बहुत ही ज़्यादा पहले से मैं सोचना था क्योंकि बालमा में जी जो मंदिर है मैं कभी गई नहीं आज बिल्कुल मैं तो मौका मिल गया आज मैं मंदिर का दर्शन भी मैंने करे लिख मजी। बाकी वो भगवती को मंदिर एक मजी एक और ईष्ट देवता को मंदिर एक मजी या जो कुल देवता वाला ठीक है। बाकी बहुत ही सुंदर जगह बालमा अगर आप अलग अभियुक्त ये मंदिर आप जरूर रहें और बहुत कुछ आपते एक देखने खातिर मिल लो ठीक है। बाकी और जगह हम जानो बाकी सब लोगों से मिल दो मंदिर का पुजारी कौन है जी मंदिर का अच्छा अच्छा हाँ जी अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी अच्छा बांदर बोध हम 24 घंटे यहाँ हम बैठे हूँ बांदर जगह वाला अच्छा अच्छा बांदर ये निर्जय खान कहीं जान दो वाला भी किरण आना मेरा आपको नौ क्या आपको मैं 9-10 में बाबा अच्छा और बाकी मतलब यू जो मंदिर बहुत पुराना मंदिर हो लिखो ना हाँ बाबा पुराना मंदिर था वो हाँ जी तब 4-5 साल हो गए खूब मैंने बनाया ना अच्छा अच्छा खूब बनाया था नौने आलो ना अच्छा अच्छा ऐसा कर आना नेगी उन कट्ठा हाँ जी हाँ जी जब का नेगी बोला जागो जागो बेटी ना अच्छा ज्यादा तो बाल में वालों कर बोलो हाँ जी पर जन हमारे बहन तो है ना हमारा स्वरा भाई अच्छा अच्छा कोई नेटी रहन बस यहाँ कोई डेढ़ गोना ना हाँ जी तो सब उन दिन उन देवतों में फाट तो वो लोग आंदे रहने वाले ना आऊं जरा ना बाबा जो ध्यान तो ये सब घंटी जो ध्यान तो क्या चढ़ाई अच्छा अच्छा इधर का छान ना हाँ जी हाँ जी एक बार का चोरी भी करे तब पड़े गान लो के अच्छा और एक भगवती बहर भी था जो गान लो भी चोरी आने का एक बार अच्छा अच्छा अब तब चोर जरा ना तो पता नहीं चाहूँ बड़ी कहें चोरी आने मेरे दूर मरी जान अच्छा नो दिल्ली रों तो बैंक में नेता अच्छा हाँ जी नेता गिरी कर था अच्छा ये भाई वो तुम्हारी जान तब ना तो दाव हाँ जी सही मंदिर हम बनाए मतलब पांच अच्छा, भाई हम सब अच्छा मैंने कहा जी जो मंदिर है मैंने आपको एक भगवती को एक तो भगवती को मंदिर है एक तो हाँ ये भगवती को बाबा अच्छा और वो हमारे नेगियों गण देवता को अच्छा गण देवता को हाँ अच्छा रे वो बेचारे नेगियों को वो थोबल लड़े मर थोबल ना अच्छा अच्छा
ता नेगी उनको बंगसम तब गण देवताओं को निरंतर बामन अच्छा उनको नेगी रंग सब जगवाओ अरे बढ़िया हाँ भगवती के तो बामन रंग हाँ जी जी पर गण देवताओं को निरंतर बाबा बाकी आप अकी यकलो रहने की आपका मतलब नाती नाती ना वगैरह क्या ना ये बाबा का खान नाती नाती ना नौ नियन पांच अच्छा अच्छा तब यहाँ की संगत पिछाड़ी पड़ा को हाँ जी जी नौ ने सबसे सब चली गया ना हाँ जी सब बाल बच्चे भैया ना कोई यहाँ नहीं ना जाने को कार्ज माये कबरे उनको हाँ जी बस ठीक है नहीं अब नौ ने आल जब ब्यावाई नहीं हाँ हाँ जी तब ब्यावाई ने सगे वही वही क्या इंसु अच्छा अच्छा ये वही ना तू आल बेटी हाँ जी हाँ जी चला सुंदर साल भर बाद बाबा चला बधाई हो आपते हैं बहुत बहुत बाबा ये तोर वगैरह आप सिखाने सिखाए आपने तोर वगैरह भी बड़ी जैसी बातचीत करने के बाद अब हम जान लेंगे थोड़ा सा निष्कर्म मकानों की तरफ और चला हम लोगों को तो जानकारी मिलेगी कि युवक ऐसे एक तो भगवती का मंदिर थे और एक गण देवता का मंदिर था जो कि एकदम नेगियों का मंदिर है और नेगी वक्त की पूजा करदान जो नेगी बनाना ठीक है और दिखा एक बहुत ही ज्यादा पुराना मकान में दिखने लगी आपको तो दिखाना अभी और ये दिखा ये मकान तो बहुत ही खतरनाक ढंग से झाड़े झाड़े मुझे गोल देगी मकान पूरा सच में देखना है नहीं वहाँ देख भीतर जाने को बाटो नहीं है पड़ता बाकी यक मुझे एक और घर ओ एम जी बढ़िया तो ये पठाल से का मकान है बहुत ही सुंदर मकान जो आप दिखने लगे अभी और ये मंदिर जो था आज वहाँ के बिल्कुल निचके तरफ ही मकान जो आप दिखने लगे और पहली बार हम वहाँ लगे मुझे ये जगह पर जो मंदिर के निचे बिल्कुल लिखे मुझे एक मुझे उखलियारू या उलिखियारू बोला कई लोग आपको नौ क्या नौ सुदीप कुमार अच्छा और सुदीप मतलब क्या स्कूल में पढ़ते आप मैं ये पांगरखाल स्कूल में जी कितने क्लास में जी मैं टेंथ अच्छा दसवीं क्लास में जी बढ़िया आज छुट्टी ले आपकी आज और पढ़े लिखे कैसे आपकी आपका डोखरा वगैरह की तरफ आपका एक अच्छा सरफन आखिरकार हम लोग पहुंच गए सबसे निस की तरफ और ये बिल्कुल लास्ट का मकान है जिखमा जी बालमा का और सुदीप यू चाबी राज जिखमा जी मेरे खेल तो सामने की तरफ आप लोग देख सकते हैं पांगरखाल और नई टिहरी शहर बाकी सबसे लास्ट का मकान है जिखमा जी और ये जो निस की तरफ है जिखमा जी आप तो दिखाने लगी हूँ एक सेरा वगैरह बहुत सारा बाकी भी पेरा जिखमा जी है ना हाँ जी और ये जितना भी पांगरखाल का खेत है आप दिखाने लगे सामने की तरफ सबो की डोकरा नहीं पांगरखाल का और ये बालमा का डोखरा ये तरफ कमलनाथ जी अरे बढ़िया तो आपका खेती बाड़ी वगैरह आप सब धानी करते हैं आप अच्छा कुछ भी कहानी कुछ भी किस्सा बालमा का बारे में जी क्या कहानी कहानी क्यों बोले कुछ भी आपका मतलब आपका जो साथ का जो बुजुर्ग लोग रहे वाला उनकी भी कुछ कहानी वगैरह कुछ बुजुर्ग अच्छा बुजुर्ग हाँ जी हाँ जी तो एक मजी हमारे साथ और भी एक मजी तो यहाँ से पूछ रहा हूँ आपको नौ क्या अजय भाई साहब हमारे परिवार पास एक ही किराना हमारे ये छोटे से की नानी ये लड़की चमीरे अरे वही को नो क्या ये को नो आरुषि आरुषि अरे वाह बहुत सुंदर नानी को बहुत ही प्यारी नानी और बाकी और लोग भी हम हमारे साथ देखो ऐसे माजी से अच्छा छोटू बोला आपको नो क्या जी अच्छा बहुत सुंदर आप लगन लगे बहुत सुंदर आप लगन लगे मिली हाँ जी ऐसे हमारे एक मुझे एक और भाई जी आपको नो क्या मैं नो संजय पाल संजय अरे संजय जी बढ़िया तो ये मुझे सबसे लास्ट मकान है बालमा को जो आप देखने लगे हैं सबसे लास्ट मकान इन्हीं अरे गांडल से तक इच्छा नहीं क्या नौ रखी रखी नौ कुछ नहीं रखी हूँ हाँ जी आप बता भाई हाँ हाँ सक्षम गौसम ये छह चंडन में और सक्षम क्या क्लास में पढ़ते हैं आप स्कूल जाने आप स्कूल क्या स्कूल में जाने आप मत्थी क्या स्कूल हो नौ क्या स्कूल हो नौ कुछ ना स्कूल हो नौ कुछ नहीं कहते हैं पढ़ने चारा मजी अरे वाह क्या बात है आप तो फिर दसा मजी आप तो बहुत जल्दी पहुंच जाए फिर तो कहते दोस्त ने आपका स्कूल मजी पाँच नौ नौ गणा दे जरा क्या क्या नौ नौ कुछ ना सब कुछ कुछ ना ये है मुर्गर मुर्गी हेला केला कन्नू तक बीता रहे सुनने लगी मेरी बात इचन बालमा का स्पेशल मुर्गा
बहुत ही खतरनाक, जो कि चोच भी इतने खतरनाक लगेगी। भाभी नहीं अरे वाह, मैं सुरेंद्र जी के अलावा बाकी हमारा पीएससी प्रतापिंडे कॉलेज मूलधार जखन की मैं पढ़ी हूँ, यानी कि 6 से लेके 12 तक, तो मैं उधर देखे थे तो मैं याद रह सकल बिल्कुल, तभी मैं एक मजे आया हूँ। अब बाकी मैं बहुत खुश होगी, ये भी बालमा का मैं ध्यान नहीं था बिल्कुल भी। वही मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बालमा का लोग छन, सब लोग थोड़ा जागरूक बना आप लोग, और जग जग जरूरत है पैसों की तो बिल्कुल आप सब लोग लगाए चलन। एक मान दुई आदमी गाँव का, हाँ जी, दौड़ भाग करला, हाँ जी, क्या भी थी सही बात है, क्या बोलू, अपने नुकसान करनी, पैसा अपने समय बर्बाद, कोई नीचाम तो भगवान कदम बढ़ो, हाँ जी ठीक है, हाँ जी। पर लेकिन सबसे पहले तो जो जो आदमी काम जो प्रधान है, हाँ, गांव का पंचन, हाँ जी, वहीं खातर तो लोग को बनो ना, हाँ, वार्ड मेंबर, सही बात है, हाँ, देखभाल ही खातर, हाँ, प्रधान रंग बन, हाँ जी, उनको काम गांव को सुधार करो। रातू की बेटी मैं पाला गांव छा, रातू की बेटी मैं पाला गाँव छो, सेठू की बारी मैं वाला गाँव छो। जो गीत लगाने इतना सुंदर सुंदर, वो आज फिर से मैं मिल गई उनको घर में तो दिखेगी, और बाकी बहुत अच्छा लगी। आज तो खैर हम गीत वगैरह लगा नहीं सकते मुझे, क्योंकि काम धाम चल रही सब जगह आजकल, तो फिर से मैं एक दिन ऑलू, और फिर तब फिर से गीत आपने लगाने पक्का लगे कॉल बार। आपके तो बहुत सारा फैंस वगैरह बन गए ना, बहुत सारा सब, तो यहाँ पर पिता बेटी नमस्कार कर दिया सबने, ठीक है बाबा, हाँ ठीक है, तो मैं अब जानू है ना, अलविदा आपसे। धरो तो अपने बालमा को दिखा ली, और हम तो एक और धारो दिखे मुझे, देखा भाई दारू एक और, वाह भाई वाह, कतरा धारण हमारा एक उत्तराखंड में जी, देखा एक शिवलिंग भी एक मजी शिव जी को। अभी हम दूसरे रास्ते से और जान गए आज, जैक बटीन ऊपर जाना हम लोग, देख दो बच्चन की क्या मतलब, हम लोग थोड़ा पानी पुणी पियानो, खिले को हम दिखाई, एक मुझे गुफा, एक मुझे स्पेशल वक्त हम जा नहीं सकता, कहीं बाघ वो लोग वैन लगाना थे उठे गए कि बाबा आदत छुट्टी चल लगी हमारी, खेर बैठ गांव बैठे ऑन लगे हम लोग, हालत खराब हो गई हमारा, थोड़े से बैठे हम एक मुझे एक जगह पर, ऐसे रोड तक जाना हूँ अभी, घाम वाले गड़ने क्यों भारी तेज घाम, देखा घाम की तरह ज़्यादा तेज अभी, बाकी मौसम बहुत ज़्यादा एक गर्म अभी, चल दो आगे अब, देखो हम एक और मकान उड़ो क्या को ये सुंदर जगह पर रोड का पास लगे, कोई कहे हम दे ना बोलो, ए छो तुम्हारी छाटी बाटी लगे तो छोरो छाटी बाटी, तुम्हारी लोली पर लाठी मारी मारी के तो लाल कर दियो रे छोरो, हमारी डोखरी पुंगड़ी पर ना आए बिल्कुल भी। हाँ डर लग रहा है कुछ, हाँ बहुत गंदे हो भाई, कितना है कड़े कड़े। आता पता हम गए थे धरगा बाटन, ठीक है हम तो एक शॉर्टकट दी कि हम ऐज आए, और ये सड़क जो दिखा नहीं थे पोर बिटी बाटो, और जो हमारी बाइक था पार्क करे ठे रोक वही मोड़ पर, किलोमीटर दूर पूरा, हाँ कितना दूर, और दिमाग मेरे प्यारी भैया का, हाँ हाँ इसी ने बोली बोली चल दो भेजिए एक बेटे, प्रीतम सिंह नहीं, प्रीतम जी, और प्रीतम जी आप मतलब क्या क्या आपको व्यवसाय किया आपको, मेन व्यवसाय खेती बाड़ी है, हाँ जी हाँ जी, अच्छा तो आजकल खेती बाड़ी में क्या मतलब क्या फसल लगाना अपन, अब अच्छा अच्छा तो मतलब की तैयार चल रही अभी, अच्छा अच्छा, अब बाकी सोगाड़ वगैरह में क्या लगाई आपको आजकल घर में, हाँ जी आलू प्याज वगैरह, अच्छा प्याज वगैरह आलू वगैरह अभी अभी सब लोगों की बुआई वगैरह स्टार्ट होगी ना, चला ये तो सुंदर आपको। अगर आप तो ये वीडियो पसंद आई तो आप सब लोग तो लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आपने ये चैनल थे सब्सक्राइब नहीं करी थे आप सब लोग ये चैनल थे जरूर सब्सक्राइब करें, अपना लोग होते हैं अपना जितना भी उत्तराखंड का लोग शन जो कि गढ़वाली बोल रहे और जो नहीं बोलता बल्कि हूँ तो भी बता नहीं भाई हमारी बोली भाषा ही था, तो आप सब लोग ये चैनल के बारे में बता, ये वीडियो तो लाइक करा शेयर करा और अपना ख्याल रखें,
और आप सब लोग कोको गांव देखना चाह रहे हैं, आप लोग जरूर कमेंट्स में लिखें हैशटैग अगर आपका अपने गांव के नाम वो लिखे हैं आप, और आप मैं तो जरूर वक्त भेजें ताकि मैं आपके गांव में जाके वहाँ के लोगों के बारे में जी और सब लोगों से मिले, आप सब लोगों तक बताऊँ कि आपको जो गाँव छा कतरा बढ़िया छा, ठीक है। तो आप सब लोग कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो तो शेयर करें ताकि मैं ये वीडियो बढ़ा दे रहा हूँ आप सब लोगों की खातिर। तो ये तरीके से आप सब लोगों ने देखी कि जो हमारा बालमा छा कतरा सुंदर जगह बालमा, बाकी बालमा के जो लोग छन बहुत ही प्यारे छन, सबके सब लोग बात करने में बहुत एक्टिव छन और बहुत ही प्यारा लोग, खुश लोग एकदम, यानी देखने के बाद सब खुश हो जाने कि भाई मेहमान आना है, सबके सब मैं तो खाना पूछी चाय बनाने खातिर बोली मैं कि ना बिल्कुल ना कोई बात नहीं आपने इतना बोले ली इतना काफी। तो ये तरीके से आप सब लोग अपने अपने गांव में जा सकते हैं, सब लोगों से मिले मिला आप लोग और बिल्कुल अपनी बोली भाषा बिल्कुल बोलना ना छोड़े ना आप सब लोग, ठीक है ना। बालमा के जो भी लोग छन जो कि अपने गांव में जी नहीं और बाकी और जगह आप सब लोग, तो आप सब लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट कर लूँ कि आप सब लोग अपने गाँव वापस आए और अपने गाँव का विकास की खातिर अपने जरूर अपने योगदान दें, क्योंकि आप लोग जख भी आज छें अपना गांव की वजह से, अपना माँ बाप की वजह से हैं, सब गाँव वाले में लिखे हैं, आप सब लोग अपना गांव को विकास भी कर सकते हैं और सब धनी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलना के हैका गांव में जी अगला एपिसोड में जी, तब तक की खातिर मेरी तरफ से यानी कि आशीष चमोली की तरफ से और अभिराज नेगी की तरफ से नमस्ते 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 और बल जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय बालमा। चली है ग्वाड़ी भगवाड़ी।